राम लखन भरत शत्रुघ्न बचपन में जब खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ रहते थे और सामने वाली तरफ भरत और शत्रुघ्न होते थे। तब लक्ष्मण हमेशा भरत से बोलते, राम भैया सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तभी वो हर बार अपने पाले में अपने साथ मुझे रखते हैं। और उधर भरत भैया कहते, राम भैया तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तभी तो वो मुझे अपने सामने वाले पाले में रखते हैं ताकि हर पल उनकी नजरें मेरे ऊपर रहे, वो मुझे हर पल देख पाए, क्योंकि साथ वाले को देखने के लिए तो उनको पीछे मुड़ना पड़ेगा। फिर जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो राम जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर पूरे नगर में उपहार और मिठाइयां बांटते, खुशी मनाते। सब पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? राम बोलते, मेरा भरत जीत गया। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या क्या देगा। लोग भरत जी के पास जाते हैं, लेकिन ये क्या, भरत तो लंबे लंबे आंसू बहाते हुए रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? भरत बोले, देखिए मेरी कैसी विडंबना है, मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूं तभी जीत जाता हूं। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उनसे अपना सब हारना चाहता हूं। मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूं। इसीलिए कहते हैं, भक्त का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में है, सब कुछ समर्पण करने में ही हम भगवान को पा सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को जिताकर खुश है, दूसरा भाई अपने भाई से जीत कर दुखी है। इसीलिए कहते हैं, खुशी लेने में नहीं देने में है। कितनी बड़ी सीख मिलती है साथियों संसार को हमारे धर्म ग्रंथों से। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपना हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और वहीं जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत हुई। अब निर्णय आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। कहने का भाव है मित्रों कि जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में राम का वास है। जहां बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वहीं राम है। इसलिए असली खुशी तो देने में है, छीनने में नहीं। हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करे उसमें सत्यनिष्ठा हो, यही सच्चा जीवन है और यही राम कथा का सार भी है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।